अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की हमारी रेसिपी है, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है। आज हम बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है चीज़ चाइनीज़ एग रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक पैन में एक टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। उसमें हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रहे हैं चॉप करी हुई। हमने फ्लेम को हाई रखा है। हम लहसुन को 10 से 20 सेकेंड सॉटे करेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। हम इसमें अब गाजर ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून गाजर यूज़ किया है हमने, आधा गाजर, या अगर छोटा यूज़ कर रहे हैं तो पूरा गाजर ले लें। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हम गाजर को आधे मिनट तक सॉटे करेंगे। हमने गाजर की इस तरह से लंबी स्लिट्स की हैं, आप चाहे तो बारीक कट कर सकते हैं या चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। हम इसमें कैबेज ऐड कर रहे हैं, गोभी आधा कप। हम इसमें 2 टेबलस्पून कैप्सिकम डाल रहे हैं। इस तरह से हमने कैप्सिकम को भी लंबा स्लिट कर लिया है, आप चाहें तो बारीक बारीक भी काट सकते हैं। हरी प्याज का वाइट पार्ट ऐड कर रहे हैं हम, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हरी प्याज नहीं यूज़ करना चाहते। फ्लेम को हाई करके तमाम सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट सॉटे कर लेंगे। सब्जियां सॉटे हो चुकी हैं। हम इसमें 1/4 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे, यानी कि 1/4 टीस्पून। थोड़ा नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। फ्लेम को हमने लो कर दिया है। हम लो फ्लेम पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। बस सोया सॉस ऐड करने के बाद हम लो फ्लेम पर आधी मिनट से पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने 4 अंडे ले लिए हैं। हम अंडों को तोड़कर बीट कर लेंगे। जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके तैयार रखी हैं वो हम अब अंडों में डाल देंगे। थोड़ा नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप इसे ऐड ना करें। 2 टेबलस्पून हरी प्याज, इसका ग्रीन पार्ट यूज़ किया है हमने। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमने गेहूं का आटा गूंद लिया है। जैसे आप रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह हमें आटा गूंद करके तैयार कर लेना है। लेकिन थोड़ा बड़ा पेड़ा लेना है, बड़ा बॉल लेना है हमें। हमने ये साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। हमने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। हम इस पर रोटी डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। एक साइड से रोटी थोड़ी पक गई है, हम इसे पलटा देंगे। दूसरी साइड से भी 80% तक रोटी पक गई है। हम अब इस तरफ थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे, पलटा देंगे। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं रखा है। जब हमें लगे कि इस तरह से रोटी पक गई है, हम रोटी को यूँ लिफ्ट कर देंगे और पैन पर एक लैडल भर के अंडे का मिक्सचर डाल देंगे। अब हम रोटी को इस पर रख देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम हल्के हल्के प्रेस करते जाएंगे इस तरह से। इस साइड पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लेंगे और एग रोल को पलटा देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और रोल को पकाते जाएंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। हम इस पर स्लाइस चीज़ बिछा देंगे। आप चाहें तो इस पर प्रोसेस चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह से स्लाइस चीज़ को कट करके ऐड कर रहे हैं।
बच्चों को चीज़ का फ्लेवर थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, इसीलिए आप चीज़ ज़रूर ऐड करें। इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब थे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और अगर आप हमारी रेसिपी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैंडविच बनाते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा एक्साइटिंग सैंडविच बनाएंगे। हम आलू चीज़ मसाला सैंडविच बनाएंगे, जो बच्चों का फेवरेट होता है, और पूरा टिफ़िन चट कर कर वापस लाते हैं। सबसे पहले हम एक टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लेंगे। हम इसमें एक टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। फ्लेम को लो रखा है हमने, 10 से 20 सेकेंड हम अदरक और लहसुन को सॉटे करेंगे। हम अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। हमने छोटा आधा प्याज यूज़ किया है बारीक चॉप करके। साथ में हम इसमें एक हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप इसे ना ऐड करें। प्याज नरम हो चुकी है, बस हमें प्याज को नरम करना है, इसे ब्राउन नहीं करना। हम इसमें दो आलू ऐड कर रहे हैं जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू यूज़ किए हैं हमने। साथ में हम आधा कप मटर भी ऐड करेंगे, मटर को भी हमने बॉईल कर लिया है। थोड़ा नमक, चाट मसाला एक टीस्पून भरकर, कुछ बूंदे नींबू का रस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, लो ही रखना है। पर इसे लो फ्लेम पर हम इस तरह से मैश करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। हम इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने देंगे। इसमें आलू और मटर ऐड करने के बाद हमने बस इसे 3 से 4 मिनट पकाया होगा, ज़्यादा नहीं। हम अब सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रेड ले लिया है, इस पर हम मेयोनीज लगा रहे हैं। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रेड आप पसंद करते हैं वो ब्रेड यूज़ करें। हम यहाँ पर मेयोनीज़ लगा रहे हैं क्योंकि मेयोनीज़ लगाने से ये सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। हम अब इस पर हरी चटनी लगा लेंगे। हमने सारी ब्रेड्स पर मेयोनीज और चटनी लगा ली है। हम अब इस पर आलू मसाला लगा लेंगे। अगर आपको लगे कि जो आलू मसाला है वो ज़्यादा गाढ़ा है या आप इसे अच्छी तरह लगा नहीं पा रहे हैं, आप इसमें कुछ बूंदे पानी की ऐड कर लें और फिर इसे स्प्रेड करें तो ये आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। हम अब इस पर टमेटोज रख रहे हैं। पतली पतली हमने टमेटोज की स्लाइसिस कर ली है। अगर आपके बच्चे कोई और सब्ज़ी खाते हैं जैसे ककड़ी प्याज, आप इसे ऐड कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। हम अब इस पर चीज़ की स्लाइस बिछा रहे हैं। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके। हम इसे अब टोस्ट कर लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी को इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा हम इस पर हमारे सैंडविचेस रख देंगे।
फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हम इस तरह से हल्के हाथों से सैंडविच को प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सिक जाए। आप चाहें तो इन्हें ग्रिलर में ग्रिल भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं एक साइड पर ब्रेड को पकते। हम इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा थोड़ा घी या बटर लगा लेंगे। ध्यान से हम इन्हें पलटा देंगे। बस ऐसा ही गोल्डन कलर चाहिए हमें सैंडविच का। दूसरी साइड पर भी हमने लो फ्लेम पर इसे पका लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़र हो जाएंगे एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।